सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को और पाइए चैनल से जुड़ी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर अस्थी है और मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। काफ़ी दिनों से आप लोग एक वैकेंसी का वेट कर रहे थे जो कि SSC GD से संबंधित थी। उस वैकेंसी के बारे से संबंधित जानकारी लेकर आया हूँ कि SSC GD की जो वैकेंसी है वो आज जो है वो लॉन्च कर दी गई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं और जो अन्य भी वेबसाइटें हैं जैसे आप लोग फॉर्म को सबमिट करते हैं ऑनलाइन करते हैं उस पर जाके देख सकते हैं कि अब वहाँ पर एक लिंक दे दिया गया है जो कि SSC GD संबंधित है। लिंक में कुछ इस तरीके की जानकारी दी जा रही है, मैं आपके सामने वो लेकर आया हूँ। सबसे पहले देखिए SSC GD रिक्रूटमेंट ऑनलाइन 2018 से संबंधित जानकारी ये है, ये देखिए कि 19 जुलाई को ये मीन्स कल की तारीख में जो ये जानकारी निकल के आई है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने SSC GD की जो वैकेंसी है वो लॉन्च की है जो कि ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जो वैकेंसियाँ निकाले गई हैं उनके डिटेल जो है वो कुछ इस प्रकार से हैं कि जो ये अप्लीकेशन जो बिगेन होगा स्टार्ट होगा ऑनलाइन होना वो 21 तारीख से होगा, 21/7/2018 से प्रारंभ किया जाएगा उसका ऑनलाइन। 20/8/2018 इसकी लास्ट डेट होगी, 20 अगस्त इसकी लास्ट डेट होगी। आप इस फॉर्म को 20 अगस्त तक सबमिट कर सकते हैं। फीस जमा करने की भी लास्ट डेट 20 तारीख ही रखी गई है। इसका एग्ज़ाम कब होगा, एडमिट कार्ड कब होगा, उसकी कोई जानकारी नहीं। अगर हम फीस की बात करें तो 100 रुपये जो फीस पड़ रही है वो जनरल कैंडिडेट की है। SC ST कैंडिडेटों के लिए कोई फीस नहीं रखी गई और फीमेल कैंडिडेटों के लिए भी कोई फीस नहीं रखी गई। जो हमेशा SSC जो करता है वही सेम प्रोसेस जो है फीस का यहाँ पर रखा गया। अगर हम टोटल वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो टोटल वैकेंसी जो है वो 54,953 पोस्ट्स हैं, जिनमें से अगर जनरल पोस्ट की बात करें तो जनरल कैटेगरी की जो पोस्टें हैं वो 28,619 हैं। OBC कैटेगरी जो है वो 11,966 हैं। SC कैंडिडेटों के लिए 9,455 वैकेंसी हैं और ST के लिए 4,913, मतलब कुल मिलाकर 54,953 वैकेंसियाँ जो हैं वो यहाँ पर सामने आई हैं। एज जो लिमिट रखी गई है वो 18 साल से 21 साल तक रखी गई है। 1/8/2018 से जो एज होगी वो यहाँ पर काउंट की जाएगी, तो जिसमें आप 18 से 21 के मध्य में होने चाहिए। क्वालिफिकेशन जो इस बार रखी गई है वो 10+2 रखी गई, आप कक्षा 12 पास होने चाहिए। कक्षा 12 यदि पास हैं तो आप इसके लिए इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। अगर हम फिजिकल की बात कर लें कि हाइट कैटेगरी क्या है, तो हाइट जो है वो जनरल OBC और SC के लिए सेम रखी गई है, वो 170 सेंटीमीटर है। और मेल कैंडिडेट जो हैं ST के उनकी 165 सेंटीमीटर रखी है और फीमेल कैंडिडेटों के लिए 157 सेंटीमीटर है। और फीमेल ST कैंडिडेट जो हैं वो 155 उनकी हाइट रखी गई है। चेस्ट की बात करें तो जो कैंडिडेट जो जनरल कैंडिडेट है उनका 81.085 सेंटीमीटर रखा गया है, ये उनका यहाँ पर चेस्ट रखा गया है। और मेल कैंडिडेट का 76.80 सेंटीमीटर का रखा गया है। उसी प्रकार से अगर रेस में देखा जाए तो रेस जो है 1600 मीटर की जो है मेल कैंडिडेट को 6 मिनट में कंप्लीट करनी है और ST कैंडिडेटों को भी 6 मिनट में ही कंप्लीट करनी है। मतलब रेस जो है वो 1600 मीटर की है जो कि 6 मिनट में कंप्लीट करनी है। उसी के साथ लॉन्ग जंप भी है और हाई जंप भी है। लॉन्ग जंप जो है 14 फीट की है और हाइट जंप भी 14 फीट की यहाँ पर रखी गई है। फीमेल कैंडिडेटों के लिए 10 फीट और 10 फीट जो है सेम है, उसमें लॉन्ग जंप में कोई जो है वो छूट नहीं दी जा रही है। हाई जंप की बात की जाए तो मेल कैंडिडेट जो हैं उनकी जो हाइट जो है वो 3'9" रखी गई है, सेम है 3'9" दोनों में है। और मेल फीमेल कैंडिडेटों के लिए 3 फीट रखी गई है। तो ये तो जो उनका फिजिकल के अंतर्गत जो चीज़ें ली जा रही हैं वो कुछ इतनी हैं जिसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा इस वैकेंसी के अंतर्गत। अगर हम और आगे बात करें तो जो वैकेंसियाँ जो लॉन्च की गई हैं जो बॉर्डर फोर्सेस हैं BSF जिसे हम लोग कहते हैं, BSF के लिए 7,470 कैंडिडेट जनरल के लिए जा रहे हैं। कुल मिलाकर 14,436 पोस्ट जो है वो BSF में हैं। उसी प्रकार से CISF की पोस्ट दी गई हैं। CRPF की टोटल 19,972 मेल कैंडिडेटों के लिए, 1,554 जो है 94 जो है वो फीमेल कैंडिडेट। तो कुल मिलाकर जो वैकेंसी जो है हर पोस्ट के लिए इस प्रकार से सामने आए हैं। अभी इसका ऑनलाइन जो है वो अभी बिगेन नहीं हुआ है। अप्लाई ऑनलाइन देखिए इसकी जो निकल के आ रहा है कि अप्लाई ऑनलाइन एक्टिवेट जो लिंक एक्टिवेट होगा वो 21/7/2018 से एक्टिवेट होगा
और डाउनलोड इसका जो नोटिफिकेशन जो और भी जानकारी सामने आएगी वो भी उसका भी लिंक जो है वो 20 तारीख को ही लॉन्च सामने आएगा। तो ये समझ लीजिए कि अब आपके सामने एक बहुत अच्छा सा मौका सामने आया है जिसमें आप SSC GT की वैकेंसी के लिए लगा ऑनलाइन कर सकते हैं और इस वैकेंसी को ऑनलाइन करके आप अपने लिए एक सुनहरा मौका पैदा कर सकते हैं। तो आप लोग इस तैयारी के लिए लग जाइए। अगर कोई भी जानकारी और नई सामने आती है, जैसे ये बिगेन होता है ऑनलाइन होना, हम आपको तुरंत क्लियर बताएंगे। आप इसे चेक करिए ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाके, और जहाँ से आप फॉर्म ऑनलाइन भी करते हैं उन साइट्स पर जाकर इन्हें चेक करिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये वैकेंसी जो है वो कब से लॉन्च की गई है, कब से इसका बिगेन होगा। बाकी आपको हमने पूरी जानकारी दे दी है, आप इस जानकारी के आधार पर आगे अपने देख सकते हैं। और कोई जानकारी सामने आती है तो मैं उसको लेकर आपके सामने ज़रूर आऊँगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करना ना भूलिएगा। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी कोई चीज़ें पूछनी हो आप कमेंट्स बॉक्स पर जाकर कमेंट कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।